सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और उनके परिवार की प्रताड़ना और हड़पी गई जमीन को वापस दिलाने के लिए पीड़ित ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। कॉफी हाउस में प्रमोद शर्मा पूर्व प्रत्याशी सिमरिया 69 व राम कुमार पांडे 90 वर्ष ने अपनी पुस्तैनी संपत्ति की मांग को लेकर 3 पुस्तों के साथ पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी के द्वारा प्रताड़ित राम कुमार पांडे अपने बेटे और नातियों के सहित इंडियन कॉफी हाउस में प्रमोद शर्मा के साथ प्रेस वार्ता कर अपनी व्यथा और खुद को जन प्रतिनिधि बताने वाले केपी त्रिपाठी के आतंक की कहानी बताई है। राम कुमार पांडे ने कहा कि रीवा के चंद्रलोक होटल के पीछे 37 डिसमिल की जमीन में 50 कमरों सहित विश्व राघव मंदिर है, जिसमें वह अपने पिता राम प्रसाद पांडे के साथ रहते थे। अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं की, वह 25 वर्षों तक 48 ग्रामों के सरपंच भी रहे। उन्होंने बताया कि मेरे पड़ोस में अग्रवाल परिवार का मकान था और दक्षिण में गौ अस्पताल था। उन्होंने बताया कि पांडे टोला के प्रमुख है और वहां बसंत पांडे को छोड़ मेरा पूरा परिवार भी यहीं आ गया था। प्रेस वार्ता में रीवा शहर के समाजसेवी सूर्यभान तिवारी भी मौजूद रहे, जो इनके घर आते जाते थे। उन्होंने बताया कि हाथी देखने राम कुमार जी इसी 37 डिसमिल के बने मकान में रहने पर देखने जाया करते थे। राम कुमार पांडे ने बताया कि केपी त्रिपाठी के बाबा भागवत त्रिपाठी किराया नामा लिख कर किराया देते थे और उनकी मृत्यु हो गई तब कमलापति किराया देने लगे। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन बाद किराया देना बंद किया और कहा हमारा मकान बनने पर खाली करेंगे। इसके बाद इनके लड़के के पितृपाठी बड़े हुए और डराना धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विवाद कर हत्या करने की कोशिश करने लगे। इस विवाद से दूर रहने के लिए वो गांव हर्रई चले गए, जिसके बाद वो उनके मकान के स्वरूप को बदलने लगे और खुद अपने गुर्गों को बसा लिया, जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में है। इसकी लड़ाई भी वृद्ध लड़ रहा है। केपी त्रिपाठी जनपद अध्यक्ष रहे और वर्तमान में विधायक है, तो दहशत में वृद्ध हाई कोर्ट में अपना मुकदमा तक पहुंचा नहीं पाया। पीड़ित वृद्ध ने वार्ता के दौरान सभी पुख्ता कागज, जमीन का नगर निगम का प्रमाणित नक्शा भी दिखाया और कहा कि केपी त्रिपाठी को जिस राजेंद्र शुक्ला ने टिकट दिला के विधायक बनवाया वो भी सब जानते थे। ऐसे अत्याचारी व्यक्ति जिनके द्वारा मेरे 3 पुस्त की जिंदगी बिना पढ़े लिखे जंगली बनने को मजबूर कर दिया। पीड़ित ने कहा, मैं इस वार्ता के आयोजक पूर्व प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के सहयोग से आप सभी चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी बात को रखने आया हूं। मैं इस प्रकार के अत्याचारी के पितृपाठी के द्वारा आस्तीन के सांप की कहानी बताने रीवा में सिमरिया विधानसभा की जनता के साथ न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। पीड़ित ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से विनम्र विनती करता हूं कि भू माफिया अभियान के तहत इस अपने विधायक से मेरी जमीन मुक्त कराए। हाँ, ये बताने आए हैं कि हमने अपने जीवन के सुरक्षा के लिए न्यायपालिका में मुकदमाबाजी कर रखा है। बाकी यहाँ हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जिस ताकत के बल पर हम केपी त्रिपाठी से मकान को खाली करावें। जो मकान हमारे कब्जे में बैठा उस मकान में उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। लाखों की हमारी संपत्ति उसमें थी, पंखा, पलंग, तख्ते, टीवी, तमाम सब सामान हम छोड़ कर गए थे। फिर हम इस डर के मारे नहीं आए कि हम गए और कहीं कुछ हो गया तो हम कुछ करने लायक नहीं है। और उसने तोड़ फाड़ कर सीढ़ी या तमाम सब चीज़ करके कमरे को तोड़ कर सब सामान पता नहीं कहाँ दिया और हम वहाँ जा नहीं सकते। आज भी स्थिति हमारी आगे हम जा नहीं सकते जब तक हमको कोई सहारा नहीं मिलेगा। बिना सहारा नहीं जा सकते, क्योंकि आज कानून की व्यवस्था ये है, सब जंगल राज है, कोई मामला नहीं है। हम मर जाएंगे, बच्चे हैं, कहीं झोपड़ी बना कर रह सकते हैं, लेकिन इनके सहारा के लिए कुछ नहीं है। इतना बड़ा अत्याचार हमने जीवन में कभी न पढ़ा न सुना न देखा, जिस तरह से उसने करके दिखा दिया, समझ लीजिए। तो आज प्रत्यक्ष हमारी कोई बात झूठ नहीं, सब रिकॉर्ड में है। प्रत्यक्ष सामने चल कर देख लीजिए मकान के, मकान जो हमारा था, हमारे पास नक्शा है जो बताता है कि मकान की स्थिति पहले ये थी। तो आज देखिए मौके पर क्या हो गई। केवल कमलापत त्रिपाठी इनके कारण से हम छोड़कर चले गए अपने शरीर से रक्षा के लिए कि हम नहीं हम रहेंगे यहाँ, हमारी हत्या 100% जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वो अक्षत का प्रयोग करता था कमलापति का बाप, तो निश्चित था और हमारे पास कोई केवल अदालत थी। ठीक साथी नहीं था, ये आज भी नहीं है।
आज भी नहीं है, इसलिए कि बाहुबली के सामने दो साधन है, बाहुबली हो हमारे पास या कि मुकदमेबाजी हो। मुकदमेबाजी पैसा के काम से थोड़ा सा शिथिल गई, बाहुबली को यह नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनकी हम जान हत्या थोड़ी कर रहा हूँ, और इसके पास सब तरह के साधन हैं, अब वो साधन में हम बहुत पीछे हैं। अब हमारे पास मूलवरों की जमीन ही खेती है, बच्चे सब जी रहे हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा सब बेकार गई, अच्छी शिक्षा पाते, बढ़िया आदमी बनते, समाज में इनका नाम होता तमाम सब, तो हम लोग दो तीन पीढ़ी के लिए पीछे हो गए। अब आज इनका चेहरा देखिए, ये उसे मरिया के स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ की अब इनके लिए नहीं अच्छी शिक्षा पाते। दावा दायर किया, उसमें जमा दावा उनका है कि हम मकान राम कुमार पांडे का है और इनके मकान को हम खाली करेंगे, हमको दूसरा मकान की जो व्यवस्था हो जाएगी हम खाली कर देंगे। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि फाइल है उनके, जवाब दावा है उनका, आवाज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है ये केस। फिर जज ने अपील की तो वही स्थिति निर्माण की जज ने, जब इनका मकान खाली हो जाए, वो इनके पास मकान हो जाएगा तो आपको छोड़ देंगे, तो दिल्ली का प्रश्न नहीं है ना हम कभी लिए। भगवत प्रसाद के मर जाने के बाद उनका लड़का कमलापत त्रिपाठी हुआ, फिर उसके बाद कमलापत आज भी मौजूद है, उसमें त्रिपाठी है फाइल, और उसके बाद जो है यह केतु त्रिपाठी वहाँ वो हुआ। अब इसने आतंक मचाना शुरू किया, अब इसके आतंक के सरकार भी इसकी थी, अब तो हम परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे, हम सोचे कि इनकी मौत हो जाएगी, अब मौत के बाद केवल गवाह केवल मुकदमा चलेगा, ये सब बेकार हो जाएंगे, तो हम गांव चले गए।